आदाब नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, और मैं आपको बता दूं कि अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर के मैं सामने आता रहता हूं। ठीक है, हम हैं अच्छे से हैं, लोग काम कर रहे हैं, सबको काम दे रहे हैं करके। जो मेरी अच्छी भूमिका गांव के प्रति बहुत है कि मेरा गाँव जो है अच्छे से तरक्की करे, मेरे गांव का हर विकास हो, हर जात के लोग विकास करें। आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य सवर जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इकबाल रेफ्रिजरेशन के मालिक, सामाजिक कार्यकर्ता, गरीबों के मसीहा इकबाल भाई से खास मुलाकात पत्रकार मोहम्मद सुफियान के साथ। खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से है, जहां हमारे संवाददाता पत्रकार मोहम्मद सुफियान मुंबई दौरे पर हैं। मुंबई दौरे के दौरान बागी बलिया के लाल बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा तिनई खुर्द के निवासी नेक दिल इंसान गरीबों के मसीहा इकबाल रेफ्रिजरेशन कंपनी साकीनका मुंबई के मालिक साकीनका मुंबई के मशहूर कारोबारी इकबाल भाई से खास बातचीत किया। आइए दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। आदाब नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, और मैं आपको बता दूं कि अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर के मैं सामने आता रहता हूं। कभी फेसबुक लाइव के माध्यम से आता हूं, कभी यूट्यूब के माध्यम से आता हूं, कभी अखबार के माध्यम से आता हूं। तो आज मैं फिर एक बार आप सभी दर्शकों के सामने आया हूं, और मुंबई के साकीनाका में मैं मौजूद हूँ। और आपको बता दूँ कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो बागी बलिया के लाल हैं, और यूँ अगर कहा जाए उनसे हमारी मुलाकात हुई और हमें जानकारी मिला कि बलिया से चल करके, बलिया से सफ़र तय करके और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक का उन्होंने सफ़र तय किया, और यहां आने के बाद उन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद एक बड़ा मुकाम हासिल किया और एक कारोबारी हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे, उनका कारोबार क्या है, किस तरीके से यहां उनका आना हुआ, और उनका इसके पीछे का जो है कितना बड़ा एक परिश्रम रहा, मेहनत रहा। तो हम उनसे बात करेंगे, जिनका नाम है इकबाल भाई, प्यार से लोग इकबाल भाई कहते हैं और यहाँ भी लोग इकबाल भाई के ही नाम से जानते हैं, जो साकीनाका में है और इनका यहाँ पे एक स्टील का जो है कारखाना चलता है। तो उसी कारखाने में मौजूद है, आपको कारखाने की भी तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं यूपी बिहार के, वो भी दिखाऊंगा। तो आइए ले चलते हैं हम उनके चैम्बर में, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। तो आपका हमारे चैनल में इकबाल भाई बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ठीक है, है अच्छे से हैं, लोग काम कर रहे हैं, सबको काम दे रहे हैं करके, जो लोग आए हुए हमारे गांव से और यूपी से भी कई लोग हैं, 20-25 लोग हैं हमारे पास काम पे। तो फैब्रिकेशन का मेरा काम होता है, किचन इक्विपमेंट का काम होता है, वो काम हम कर रहे हैं और लोगों को काम दे रहे हैं, और अपने घर की अच्छी हालत, मतलब बहुत तकलीफ से आए थे लेकिन अच्छी हालत बनाया, 30-35 साल लगा मुझे वो करने के लिए। ठीक है, अच्छी पोजिशन में। एक सवाल आपसे है, जिस तरीके से आप बागी बलिया के रहने वाले आप हैं, वही बलिया जिसको क्रांतिकारी जिला कहा जाता है, वहाँ से बागी लोग पैदा हुए और देश की आज़ादी में हिस्सा लिए, क्रांतिकारी जनपद रहा, और बलिया से चल करके आप देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक आए, तो इसके पीछे जो आज ये हम लोग देख रहे हैं कारखाना काम है, कारोबार है, तो किस तरीके की चुनौतियों को झेल करके आप तक पहुँचे हैं, बताएं थोड़ा। हम बहुत तकलीफ से आए हैं, जो हम 14 साल के खेत हम आए हुए हैं करके, और उसके बाद धीरे धीरे साल दर साल मेहनत करते हुए काम सीखते हुए काम किया और यहाँ तक पहुँचे हैं करके। तो अच्छे हालात में है, काम अच्छा है, पहले अच्छे हालात नहीं थे लेकिन अभी ठीक है करके, अभी साल दो साल से अच्छी हालात है करके, पहले तो नहीं था। और है काम, वर्कर लोग कर रहे हैं, हम ऑफिस देख रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी जात के लोग हैं, अच्छे से हैं करके, कोई दिक्कत नहीं करके, और अपनी भी ठीक है, मतलब मार्केट में इस टाइम पे ठीक है करके। अच्छा ठीक है, जैसे देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पे कारखाना चला रहे हैं, स्टील का काम चल रहा है, फैब्रिकेटर का,
तो जिस तरीके देखा जाए आप वर्करों के साथ लगे रहते हैं, आप वर्करों के साथ लग करके कंधा से कंधा मिला करके काम करवाते हैं, लगता नहीं है कि आप मालिक हैं उनके, अच्छे उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं। हम लोग भी यहाँ बैठे थे थोड़ी देर आपके ऑफिस में, हमने देखा भी, बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरीके से आप बलिया से यहाँ आए, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और एक सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरीके से आप यहाँ कारखाना चला रहे हैं, तो आपका कारखाना मुंबई के किस इलाके में, किस जगह पे है? ये साकिना का तिलक नगर में है करके, एक भंगार गली बोली जाती है उसके अंदर हमारा है करके, साकिना का तिलक नगर फेमस जगह है। और ये यहाँ पे मैं 18 साल से हूँ करके, और इसके पहले हमारा मुलुंड में कंपनी थी करके, तो यहाँ है मतलब साकिना का तिलक नगर है करके। अच्छा, यहाँ पे है करके। अच्छा, जिससे देखा जाए आप बलिया के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के निवासी हैं, तो जो आपका पैतृक गांव है उस गांव में सुना जाता है, अक्सर सुनने को आता है कि आप जब प्रधानी का चुनाव आता है ग्राम पंचायत का, तो उसमें भी आप एक बड़ा रोल निभाने का काम करते हैं, भूमिका निभाने का काम करते हैं, तो आप गाँव के लिए क्या सोचते हैं कि अक्सर प्रधानी के चुनाव में आप भूमिका निभाते रहते हैं? मेरी अच्छी भूमिका गाँव के प्रति बहुत है कि मेरा गाँव जो है अच्छे से तरक्की करें, मेरे गांव का हर विकास हो, हर जात के लोग विकास करें, हर छोटे बड़े जो लोग हैं सब अच्छा काम करें। और मेरे भाई जो है प्रधानी के लिए पिछले उसमें लड़े थे 2020 में 21 में लड़े थे करके, और मैं कोशिश करता हूँ, इस बार भी कोशिश है कि वो लड़ेंगे करके, इंशाल्लाह जीतेंगे भी, क्योंकि पिछली बार 10-11 वोट से हम लोग हारे थे करके। क्या नाम है उनका? उनका फिरोज़ आलम नाम है, मेरे बड़े भाई के हैं, फिरोज़ आलम नाम है, और अरशद मेरे दूसरे भाई का नाम है। लेकिन गांव से मेरा लगाव बहुत है, वहीं के आदमी वर्कर हम लाते हैं, काम सिखाते हैं, काम कराते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के हर वर्क का काम हो, नाली हो, ये हो, सड़क हो, जो भी काम हो, मैं चाहता हूं मेरे गांव अच्छा, सबसे सुंदरकरण में मतलब अच्छा मेरा नाम गिना जाए, कि मैं खुद जो है अच्छे उसमें गिना जाए। तो मेरे भाई हमेशा लगे रहते हैं, समाज सेवी का काम करते हैं, जितना हो सकता हम भी करते हैं, मेरे भाई भी करते हैं, सब लोग लगे हुए हैं करके उसके पीछे। तो हम बात कर रहे थे इकबाल भाई से, और ये बलिया के लाल हैं, बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के तिरनई खुर्द के निवासी हैं, और इनका कहना है कि जो यहाँ कारखाना चलाते हैं, इस कारखाने में हर वर्ग के लोग काम करते हैं, और गांव में ये पेट रखते हैं, अक्सर जब चुनाव आता है ग्राम प्रधान का, तो उसमें भी अपने भाई को ये चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। इनका कहना है कि अपने गाँव का चौमुखी विकास करना है, गाँव को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, खड़ंजा नाली साफ सुथरी हो, और गांव से भी ये लोगों को लेकर के आते हैं, हिंदू वर्ग, मुसलमान वर्ग, हर कौम के लोग बुलाते हैं। इनकी सोच है कि हर हमारे गांव में जो भी कौम, हर कौम के लोग एक रहें, एकजुट रहें, और हमारे आके काम करें, तरक्की करें, ताकि वो यहाँ से काम करके पैसा भेजें, ताकि उनका परिवार हंसता खेलता रहे और उनका परिवार आगे बढ़े और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें। तो हमसे ये बात की है, बहुत बहुत इन्होंने हमें टाइम भी दिया और हमसे इन्होंने बात किया। इनका जो कैरियर रहा यहाँ तक बहुत कठिनाइयों का रहा, बम्बई आए, बहुत कठिनाइयों से जूझे, लेकिन आज के वक्त में ये इनके आज लगभग 50-60 वर्कर काम कर रहे हैं और एक अच्छे पैमाने पे ये हैं। और इनके बारे में बता दूँ कि एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, यही नहीं गाँव भी जाते हैं तो ऐसे ही, और यहाँ भी मुंबई में रहते हैं तो जो आता है ये, चाहे वो बलिया का हो, चाहे इनके जान पहचान का हो, गरीब मोहताज हो, सबकी मदद करते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेक दिल इंसान है। साकी नाका में इनको हर कोई जानता है और सारे लोग जानता है कि तिरनई को बड़ा तिरनई बाजू का है हमारे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।